इसको कंटिन्यू करते हैं। एग्नोस्टिक साहब जी, आप हमारी बकवासात सुनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम आपको जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। फरमाइए जी जी मोहतरम। जी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर, ये जो बातें चल रही है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बातें चल रही है, ज़्यादा इंटरप्ट तो नहीं करना चाहूँगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल कि ये जो बातें हैं कि फेमिनिज्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी है, औरतों के हुकूक, ये सब तो बहुत बहुत बात की बात है। देखिए, मेरा सवाल है जो अल्लाह पे है, छोटा सा सवाल है कि देखिए, आप अपने अपने फीलिंग्स पे मत लीजिएगा इस सवाल को। मैं स्पेसिफिकली अल्लाह के ऊपर नहीं बोल रहा, जो कुरान के अल्लाह है उनके ऊपर नहीं बोल रहा मैं, जो ये जो जिसने क्रिएशन बनाई है, जो क्रिएटर है, मैं उसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो मेरे सामने आए क्रिएटर, तो मैं उनसे साफ साफ सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने फीलिंग आपके खुदा के गो लिए नहीं अहेड बोल गो रहा मैं। अहेड, हाँ वी आर यंग, वी कैन हाँ टेक इट, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो मैं बोल रहा हूँ यार, यार अल्लाह, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या जो तुमने ये दुनिया बनाई यार, कि इसका कोई सेंस बनता है? मैं तो नहीं चाहता कि इस दुनिया में मेरा वजूद होता, मैंने तो कभी नहीं कहा खुदा से। और अगर आपका ये रिप्लाई होता है कि नहीं, आप जन्नत में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, आपका जो वजूद है उसका कोई सेंस निकल रहा है जन्नत में जाने के बाद, तो मुझे नहीं चाहिए, ना जन्नत चाहिए, ना जहन्नम चाहिए, ना ये दुनिया चाहिए थी। मुझे डाल क्यों दिया इस पचड़े में? मेरा यही सवाल है। ठीक है, मैं इसका आप मुख्तसर सा जवाब दूंगा। मेरे ख्याल से अगर आमिर भाई इसके ऊपर गुफ्तगू करें तो बेहतर हो जाएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़बरदस्ती इस दुनिया में डाल दिया गया है, तो वाई डोंट यू ग्रैब अ पिस्टल एंड यू नो बस्ट योर हेड ओपन। आप अपने आप खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? इसकी याद नहीं है नहीं, तो इस्लाम में ऐसा लिखा है ना, जो खुदकुशी कर लेगा उसको आप तो अल्लाह ने मुसलमान खुद ही नहीं है निकाल ना दिया। मेरे भाई, आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप तो नहीं, मेरा एग्नोस्टिक है। सवाल तो एग्नोस्टिज्म इस्लाम तो पे है ना, नहीं, वही तो बात है, नहीं सवाल देखिए, तो अगर इस्लाम पे ये ना मेरा। मुसलमान मुसलमान ये एतराज़ करे कि जब मुझे अल्लाह दिखे तो मैं अल्लाह से कहूँ कि अलियाज़ बिल्ला कि क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया, मुझे यहाँ क्यों भेजा, लेकिन ये सवाल मुसलमान नहीं कर रहा। ये सवाल आप कह रहे हैं मैं जो है ना अल्लाह से करूँगा, तो ये सवाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। आप अपने आप को खुदकुशी करके ख़त्म कर लें। और वैसे भी एथिज्म या एग्नोस्टिसिज्म के जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, तो आप कीमियाई कचरा बन जाएंगे, यू विल बी अ केमिकल गार्बेज। अच्छा, चलो चलो ठीक है, आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और मैं तो एक एग्नोस्टिक भाई, अब मैं क्या, एक आप बात क्या करना चाहते चाहूंगा। एग्नोस्टिक भाई, एक मिनट जरा रुकिएगा। मिसालत भाई, मैं अगर आपकी जगह होता, क्योंकि आपने कहा कि मैं, तो मैं इस क्वेश्चन को लेता ही ना, क्योंकि ये इररेलेवेंट टू टॉपिक है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत किया इस टॉपिक के ऊपर और जो लोग सुन रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, ये वो नहीं है। या तो ओपन क्वेश्चन आंसर जी? सेशन थैंक होता यू। तो जरूर इस टॉपिक को असल कवर में, करेंगे, असल में मेरे मोहतरम, ये मेरे बात हिसाब बहुत से मैं आपसे देर कहा से कर रहे करूंगा थे, कि तो एक अगर क्वार्टर मुख्तसर जरूर, से इंतजार इसमें करें, इसमें कोई जवाब। शक नहीं, मगर टॉपिक टॉपिक जो रखा गया है, टॉपिक तो टॉपिक है ना, चलिए इंतजार ठीक है, करें मैं लोग। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ टॉपिक के ऊपर ही, जी ठीक जी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं वैसे भी। जला तो लो। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कुरान में और हदीस में ये परमिशन दी गई है मर्द को कि वो औरत को मिसवाक से पीट सकता है। अब वो एक इंडिकेशन के तौर पे पिटाई होती है, वो तो जो भी है, लेकिन तो उसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है वो होती है, वो ये होती है कि मर्द और औरत के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो मर्द औरत को पीट सकता है उसको अपने ओपिनियन पे लाने के लिए, कि हाँ तुम भी मेरी बात मानो, इसलिए तो पीट रहा है ना वो कि तुम मेरी बात मानो। तो क्या जरूरी है कि केवल मर्द ही हमेशा सही होता है, औरत सही नहीं हो सकती? ठीक है, आपका सवाल आ गया। ये मुझे बता सकते हैं रेफरेंस किधर है? मुझे रेफरेंस नहीं पता सर, लेकिन मैंने सुना है एक बार कि रेफरेंस ये इस्लाम में रेफरेंस ऐसा है। रखिएगा, रेफरेंस जाकिर रखिएगा नाइक का पास वीडियो नेक्स्ट सुना है। टाइम। हाँ मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस ओके रखिएगा ओके पास, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बात सामने आएगी रेफरेंस के साथ, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। जहां तक पीटने की बात है या उस हवाले से बात है, वो एक लंबा टॉपिक है। मगर जो आप ये मिसवाक की बात कर रहे हैं या पीटने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से जब तक हमारे सामने रेफरेंस नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। मगर उसूली तौर पर चूंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा इशारा हम एड्रेस कर देते हैं। मेरी समझ में आते हैं जो चीज़ वो ये देखें, इस्लाम ने फैमिली स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कानून नफाज के लिए, जिसको रोब के साथ, जोर के साथ और इन्फोर्स किया जाता है। उसके बगैर कोई सोसाइटी रन नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में अगर मर्द है, वो अगर किसी अपने खानदान की किसी औरत को या अपने घर की किसी औरत को डराने के लिए, समझाने के लिए, उसको अपने असर के अंदर रखने के लिए काम करता है, तो ये बुरी बात नहीं समझी जाएगी एज पर शरीयत, शरीयत की बात कर रहा हूं। मगर अगर वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, तब भी वो बेहतर है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीसें हैं कि खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए सबसे बेहतरीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका जो है वो अदब और एहतराम का और वकार का यही रहा है कि आपने कभी भी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना अपनी बीवियों पर ना किसी और औरत पर कभी भी हाथ नहीं उठाया।
इस एतबार से हमें पता चलता है कि ये जो शिक रखी गई है इस उसूल, यानी हजरत उमर फारूक का भी एक जगह पर मिलता है कि सीरत के अंदर भी, कि वो अपने घर के अंदर ना एक वो लटकाया करते थे एक कोड़ा सा टाइप, तो किसी ने पूछा कि आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं, कहते हैं नहीं ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, जैसे थानों के अंदर वो पीछे गन वगैरह कोई इस तरह की चीजें रखी होती हैं। तो उससे मुराद ये होती है कि आप घर के अंदर एक डिसिप्लिन कायम रखें, और डिसिप्लिन कायम रखने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। जिन घरों के अंदर ये चीज नहीं है वहां किसी बात के ऊपर भी कंसेंसस या कंक्लूजन की तरफ वो नहीं आते, बजाय इसके बाद बिगड़ती चली जाती है। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऑप्शन है, कुरान में भी जिस जगह पर इसका जिक्र किया गया ना, मैं चार इसीलिए चाह रहा था कि रेफरेंस सामने आ जाए, वहां आओ के साथ उस चीज को रेफर किया गया है। आओ के साथ जब आप रेफर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी ऑप्शन है जो नागुजीर हालात के अंदर इस्तेमाल करने का कहा गया। ये नहीं हर दूसरे घर के अंदर से थप्पड़ों की आवाजें आ रही हों, ठुड्डों की आवाजें आ रही हों, ऐसा ना कभी इस्लाम की तारीख में आप दिखा सकते हैं, ना जिन पर कुरान उतरा है ना उनके आप दिखा सकते हैं कि वो इस तरह का कोई तरीकाकार इख्तियार करते हैं। बाकी जब वो आप रेफरेंस ले आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बात करके। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अगली बार रेफरेंस एक के साथ। नॉस्टिक भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ये कह रहे हैं इस्लाम में जो है वो मर्द औरत को मार सकता है और औरत मर्द को नहीं मार सकती, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि ना मर्द औरत को जब मारता है तो वो इसी बात को लेकर हाँ मार रहा ठीक है ना ठीक कि तो मेरी आप ये बाइनरी औरत। कर रहे हैं कि मर्द जो जेंडर है, जो मर्द जेंडर है मेल जेंडर है, वो फीमेल जेंडर को मार सकता है, फीमेल जेंडर मेल जेंडर को नहीं मार सकता। अब बताइए, हाँ माँ जो है वो बेटे को मार सकती है कि नहीं मार सकती है? और माँ जो है माँ वो कौन सा जेंडर होती है और बेटा जो है वो कौन सा जेंडर होता है? फीमेल माँ होती है, बेटा मेल होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी ही गलत है आपका कि मेल जो है वो फीमेल को मार सकता है और फीमेल मेल को नहीं मार सकता है, ठीक है? ये तो गलत साबित हो गया इससे कि क्योंकि माँ जो है वो बेटे को मार सीधा सकती है, सीधा हस्बैंड ठीक है? वाइफ ये बोला गलत भैया, हो गया, ठीक ये जो बाइनरी जेंडर की है वो गलत हो गया आपका, है ना? सो है ठीक है। इस्लाम की जो पूरी तकसीम है दैट्स डिपेंड ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन जेंडर। जेंडर पे डिपेंड नहीं करता इस्लाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये ना कहें कि माँ जो मेल है वो फीमेल को मार सकता है, फीमेल है वो मेल को नहीं मार सकती। असल चीज ये होता है कि आप किस रिलेशन में है, आपका रिश्ता किससे क्या बन रहा है, उस पर आपके रूल्स, आपके यानी कि ड्यूटीज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके राइट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो जेंडर के हिसाब से नहीं, रिश्तों के हिसाब से बनते हैं। लेकिन क्या है कि आज मॉडर्न एरा में क्या है कि हमारे पूरे समाज को बस एक जेंडर बाइनरी में डाल दिया गया, मेल फीमेल मेल फीमेल, इसलिए सारे कंफ्यूजन आपको होता है शायद। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है? जी सर, अगली बार मैं आऊँगा तो रेफरेंस के साथ आऊँगा। वैसे मेरा सवाल जो था वो ये इस बात पर था कि जो आदमी है, जो हस्बैंड है, वो उस औरत को मार रहा है, तो वहाँ पे वो चाह क्या रहा है? वो ये चाह रहा है कि मेरी बात को तुम मान लो, तभी तो उसको मारने की। तो लेकिन तो वो रीजन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नॉस्टिक भाई मेरे ख्याल से आसिम भाई ने बड़ी प्यारी बात कर दी है उस बेस के ऊपर, मगर जो चीज मैं रख रहा हूँ ना वो इसी चीज जो आप उठा रहे हैं ना कि वो करवाना क्या चाह रहा है वो चीजें, तो मैं उस तरफ ही मैंने इशारा कर दिया था आसान चीज आसान तरीके से आपको समझाने के लिए कि बहुत सी चीजों में डिसिप्लिन कायम करने के लिए आपको इन इख्तियार को इस्तेमाल, इख्तियार की बात कर रहा हूँ, तो आपके ऐसे ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं, जो उस ऑप्शन को आसिम भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया कि ये ऑप्शन जहाँ पे बाप के ऑप्शन पास होंगे वहां माँ पे के मुझे पास भी प्रॉपर मौजूद होता रेफरेंस है की जरूरत है। हाँ, मैं समझ जी। गया बात। मुझे जहाँ पे ऑप्शन की बात आ गई वहां पे मुझे प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई कौन किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली तो मेरे मैंने पास औ के सभी तो अल्फाज नहीं। आप वो निकालेंगे ना, अग्नोस्टिक भाई मैं आपको बताता हूँ, आप जब वहां निकालेंगे तो वो औ के अल्फाज आपको मिलेंगे, उससे मुराद ही है कि ऑप्शन है। आसिम इफ्तार भाई ने एक उसूली बात की, मैंने आपने जो उस तरफ बात की थी कि वो कर क्यों रहा है, वो ऐसा करता क्यों है, तो वो जो ऐसा करता है उसके पीछे पूरी एक उसके इख्तियार हैं जो दिए गए हैं। ये इख्तियार जिस तरह से भाई ने कहा कि माँ के पास होते हैं, ये इख्तियार दादी के पास होते हैं हालांकि वो औरत है, तो ये इख्तियार जो है वो दिया जाता है डिसिप्लिन को कायम करने के। मिसाल के तौर पर एक घर में बाप नहीं है, ठीक है, बाप नहीं है और भाई मौजूद है और बड़ा भाई है, वहां पर बहनें हैं और बहनें जो हैं वो माँ की नाफरमानी कर रही हैं और वो बहनें इस कदर बड़ी हो चुकी हुई हैं कि वो माँ के काबू नहीं आ रही, वहां रोब कायम करने के लिए आपको उस घर को डिसिप्लिन करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए भाई को बाप का किरदार अदा करना पड़ेगा। तो मेन जो पीछे कॉज है इस इख्तियार को देने का वो डिसिप्लिन, और मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक रोब और दबदबा है डालने, वरना कानून भी दुनिया का नहीं चल सकता, दुनिया का कानून भी इसी बुनियाद के ऊपर चलता है। आप देखें मिसाल के तौर पर एक औरत चोरी करती है तो वो अदालत में जाके ये नहीं कह सकती चूंकि मैं औरत हूं मैंने चोरी की है इसलिए मुझे कम सजा दी जाए, मर्द को ज्यादा दी जाए। तो मुसाद ये है कि डिसिप्लिन कायम करने के लिए आपको औरत और मर्द से ऊपर सोचना होकर सोचना पड़ेगा डिसिप्लिन कायम करने के लिए। भाई ये मेरी गुजारिश। ठीक है, जजाकअल्लाह एग्नोस्टिक भाई, इफ यू कैन गो इफ यू कैन लीव द स्ट्रीम इंशाल्लाह।
बिल्कुल इत्तेहाद साहब अगर कुछ कमेंट रखना चाह रहे हैं अपना तो जल्दी से, विद इन फाइव मिनट भी ज्यादा कह रहा हूँ, विद इन 2 मिनट रखिए, इसके बाद हम जुबैर रहमान साहब को लेंगे, फिर राशिद अली साहब की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बात बहुत, वैसे तो सारे पॉइंट्स सामने आ चुके हैं, फिर भी लोगों को डाउट है तो मुझे हंसी आएगी उस पे भी, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फेमिनिज्म ने है ना एक औरत को एक तरह से है ना एक क्या बोलते हैं दबा दिया है, उनको लग नहीं रहा है, लेकिन जो अलीना ने पॉइंट रखे उसके हिसाब से भी, और जो मेरे पास जो जो कुछ एग्री जो है ना आर्ग्यूमेंट्स हैं पेपर के तौर पे भी, मैं देखा हूँ कि सबसे ज्यादा वर्स्ट लाइफ फेमिनिज्म ने ही दी है औरत को। उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनके बच्चे पब्स में जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बेटे बाप को गाली दे रही है, बॉयफ्रेंड लेके आ रही है, बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है सारे के सारे। तो मैं 2 मिनट मेरे पास टाइम है तो मैं बस यहीं पे कंक्लूड करूँगा कि इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है सबसे बेटर सोसाइटी बनाने का, और मुफ्ती साहब ने भी काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए। अगर उसके बाद भी लोगों को डाउट है तो बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। जज़ाकअल्लाह खैर, जबरदस्त हो गया, बहुत ज्यादा खैर दे आपको फॉर योर कमेंट। जुबैर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम।